हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, 17 दिसंबर 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगम एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया। ये ट्रेन बनारस और कन्याकुमारी के बीच में चलेगी। तो बनारस से जिन यात्रियों को कन्याकुमारी जाना होता था, उनको बहुत दिक्कत होती थी, उनके पास कोई ट्रेन के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट अब उनके लिए बहुत आसान हो गया है। वो इस ट्रेन को बोर्ड करके बनारस से कन्याकुमारी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस ट्रेन के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं और इसमें यात्रियों को क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी वो भी बताएंगे। दोस्तों, ट्रेन नंबर 16368 काशी तमिल संगम एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ रविवार को बनारस से शाम को 4:20 पे निकलेगी और ये आपको तीसरे दिन रात के 9 बजे कन्याकुमारी पहुंचा देगी। ये ट्रेन 2745 किलोमीटर का सफ़र 52 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लेगी। बात करें स्पीड की दोस्तों, तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 53 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन टोटल 35 हॉल्ट्स पे रुकते हुए कन्याकुमारी तक जाएगी और इस ट्रेन में एलएचबी रेक्स लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कोच कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बता देते हैं। इस ट्रेन में जनरल क्लास के कोचेज हैं, 6 स्लीपर क्लास के कोच हैं, 3 थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच हैं, देन फिर 3 थर्ड एसी के कोच हैं, 2 सेकेंड एसी का कोच है और 1 फर्स्ट एसी का कोच है। और इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सर्विसेज अवेलेबल है, तो यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं होगी, आप पेंट्री कार से खाना खरीद के खा सकते हैं। या फिर अगर आपको ऑनलाइन भी फूड ऑर्डर करना हो तो वो आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खाना अपने सीट तक मंगवा के खा सकते हैं। दोस्तों, बात करें किराए की, तो स्लीपर क्लास का किराया है 890 रुपये, थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया है 2235 रुपये, थर्ड एसी किराया है 2330 रुपये, सेकेंड एसी किराया है 3420 रुपये और वहीं पे अगर आपको फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना होगा तो इसके लिए आपको 5855 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमने आपको किराया बताया है वो स्टार्ट से एंड तक का है, यानी कि बनारस से लेके कन्याकुमारी तक का। इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए इसका टिकट आप IRCTC की वेबसाइट, IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो काउंटर से खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस ट्रेन से अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये ट्रेन LHB रेक्स के साथ चलती है। जब भी आप AC कोचेज में ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपको लिनन सर्विसेज मिलेगी, जैसे कि कंबल, चादर, बेडशीट और तकिया। यहाँ पे आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, देन फिर वाटर बॉटल होल्डर रहता है, आपके जो विंडोज़ है उसके ऊपर कर्टन्स लगे रहते हैं और विंडोज़ बड़े हैं। सीट के नीचे, लोअर सीट और साइड लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं। एक मिरर है कैबिन में, एक साइड टेबल है जहाँ पे आप अपना लंच और ब्रेकफास्ट रख के कर सकते हैं। हर एसी कोच में टोटल 4 वॉशरूम दिए गए हैं और एसी कोच में कोच अटेंडेंट रहते हैं जो कि आपकी हर प्रकार की सहायता करते हैं। वहीं पर बात करें स्लीपर क्लास में, जो भी आप ट्रैवल करेंगे तो इसमें आपको भी मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, देन फिर यहाँ पर आपके कैबिन में फैंस रहते हैं। लोअर सीट, साइड लोअर सीट के नीचे आप अपना लगेज रख सकते हैं, इसके विंडोज़ ओपन रहते हैं। साइड टेबल है जहाँ पे आप अपना लंच और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कैबिन में मिरर दिया गया है। हर कोच में टोटल 4 वॉशरूम्स दिए गए हैं। बात करें कोच अटेंडेंट की, तो स्लीपर क्लास कोच में कोच अटेंडेंट नहीं रहते हैं और स्लीपर क्लास में लिनन सर्विसेज नहीं दी जाती है, जैसे कि एसी कोचेस में दिया जाता है। और बात करें साफ़ सफाई की, तो दोस्तों इस ट्रेन में साफ़ सफाई का अच्छा ख्याल रखा जाता है। जो क्लीनिंग स्टाफ है रेगुलर इंटरवल्स पर आके आपके कोचेस की साफ़ सफाई किया करते हैं, चाहे वो एसी कोचेस हों या फिर स्लीपर क्लास के कोचेस हों। और अगर आपको यात्रा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप रेल मदद ऐप पर कर शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है रेलवे ऑफिशियल्स द्वारा। तो बनारस से कन्याकुमारी जाना आपका आसान हो गया है। आप इस ट्रेन को बोर्ड करके बनारस से कन्याकुमारी जा सकते हैं, या फिर अगर आपको कन्याकुमारी से रिटर्न आना हो बनारस तो भी आप इस ट्रेन को बोर्ड करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के हम शेड्यूल के बारे में आपको बता देते हैं कि आप कहाँ से इस ट्रेन को बोर्ड और डीबोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 16368 काशी तमिल संगम एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ रविवार को बनारस से शाम को 4:20 पर निकलती है। इसके बाद ये ट्रेन वाराणसी जंक्शन में 4:35 पर पहुंचती है और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है प्रयागराज छियोंकी, शाम को 7:25 पहुँचती है। फिर मानिकपुर में ये रात को 10:18 पर पहुँचती है। फिर सतना में 12:15 पहुँचती है और यहाँ पे 5 मिनट रुकती है। सतना से निकलने के बाद ये ट्रेन मैहर में रुकती है 12:48 पर। फिर ये कटनी में रुकती है, जबलपुर,
नैनपुर, बालघाट जंक्शन, गोंडा जंक्शन में, गोंडिया जंक्शन में सुबह में 7:55 पहुँचती है और ये 8:05 पर निकलती है, वहाँ से 10 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये ट्रेन बलहरशाह, सिरपुर, वरंगल में शाम को 4:05 पर पहुँचती है और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर इसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट है खमीमम, उसके बाद विजयवाड़ा जंक्शन में, यह रात को 8:40 पहुँचती है और यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन तेनाली जंक्शन, ओनगोले, नेल्लोरे, पेराम्बूर में सुबह में 3:45 पहुँचती है, यहाँ पे 5 मिनट रुकती है। फिर अराकोनम जंक्शन में 4:45 सुबह में पहुँचती है। फिर कंचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम जंक्शन में सुबह में 8:05 पहुँचती है और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन कुडल पोर्ट, चिदम्बरम, सिरकाजी, मयिलाथुदुराज सुबह में 10:43 पहुँचती है और यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद ये ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद कुंभकोणम, तंजौर में 12:20 पहुँचती है, मदुरा जंक्शन में 3:35 पहुँचती है और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये ट्रेन तिरुनुवेल्ली में 6:10 पहुँचती है और 5 मिनट रुकती है। नागरकोल में जंक्शन में ये ट्रेन 8:30 पहुँचती है और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्टली ये ट्रेन आपको कन्याकुमारी पहुँचा देती है रात के 9 बजे। ये ट्रेन 2745 किलोमीटर का सफ़र 52 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के हम रिटर्न जर्नी के बारे में बता देते हैं। रिटर्न आना हो तो आप कब इस ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 16367 काशी तमिल एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते के एक दिन गुरुवार को कन्याकुमारी से रात को 8:30 निकलती है और तीसरे दिन ये ट्रेन 11:35 पर रात को आपको बनारस पहुँचा देती है। ये ट्रेन 2745 किलोमीटर का सफ़र 51 घंटे 5 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी काशी तमिल संगम एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन को आप बोर्ड करके बनारस से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से बनारस आ सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।